इंदौर में नर्मदा का पानी लाने के लिए पुरानी जलोद पानी की लाइन की मरम्मत का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिसको अमृत योजना के तहत नगर निगम की ओर से सुधारा जा रहा है और पाइपलाइन में हुए बड़े लीकेज ठीक किए जा रहे हैं, जिसे इस माह के अंत तक खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद शहर को पहले से ज्यादा व्यवस्थित जल प्रदाय की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें 1978 में जलोद पाइपलाइन डाली गई थी, जिसमें बड़े लीकेज होने के कारण हर साल लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह जाता था, जिसका 29 करोड़ की लागत से अब नगर निगम की ओर से सुधार किया जा रहा है, जिसे पूरा करने के लिए संबंधित कंपनी को 65 दिनों की समयावधि दी गई है, जो इस माह के अंत में खत्म हो रही है। देखिए, जो 65 दिन की समयावधि है वो इस महीने के आखिरी में 1 या 2 तारीख को वो हो रही है, पूरी हो रही है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम था जिसके तहत हमको करना था, हम लोग कर लेंगे। हो सकता है कि ये इस महीने के आखिरी तक न जाके 1 तारीख या 2 तारीख तक चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे। अगले महीने के जो पहला सप्ताह है उसमें शटडाउन का पूरा जो काम है उसको पूरा करके विधिवत वाटर सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी।